अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम राग मैथ के जरिए कर रहे हैं, तो आज एक और राग करते हैं। ये ठाट बिलावल का राग है, राग पट भ्याग। इसका वादी सुर है पंचम, जिसको पा कहते हैं। संवादी सुर है इसका खर्ज, जिसको सा कहते हैं। सबसे पहले इसको मैथ के जरिए करते हैं, बाद में इसको सरगम के साथ करेंगे। चले आए सबसे पहले इसको मैथ के साथ करते हैं। एक, तीन, पांच, छ, आठ, बारह, तेरह, ये आरोह हो गई है। अब इसकी अमरोही करते हैं। तेरह, बारह, दस, आठ। अब इसका ये सुर चेंज हो जाएगा, निखार इसका पहले तीव्र था, अब ये कोमल लगेगा। ग्यारह, दस, आठ, छ, पांच, तीन, एक, ये हो गई है जी अमरोही। एक दो फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। एक, तीन, पांच, छ, आठ, बारह, तेरह, ये आरोही हो गई है। अब इसके अमरोही। तेरह, बारह, दस, आठ, ग्यारह, दस, आठ, छ, पांच, तीन, एक, ये हो गई आरोह अमरोही मैथ के जरिए। अब इसकी सरगम करते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, नी, सा, ये आरोही हो गई है। अब इसके अमरोही करते हैं। सा, नी, धा, पा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, ये अमरोही हो गई है। अब इसको वक्फे के साथ समझा देता हूँ। एक, एक के बाद तीन, अगर दो का वक्फा ये तीन हो गया। तीन के बाद पांच है तो चार का वक्फा ये पांच हो गया। पांच के बाद छह है तो छह इसके साथ ठहरा हुआ है। छह के बाद आठ है तो सात का वक्फा ये आठ हो गया। आठ के बाद है बारह तो नौ का वक्फा, दस का वक्फा, ग्यारह का वक्फा ये बारह हो गया। बारह के बाद ये तेरह, ये आरोही हो गई है। अब इसकी अमरोही। तेरह, बारह, दस, आठ, ग्यारह, दस, आठ, छ, पांच, तीन, एक, ये अमरोही हो गई है। फ्रेंड्स, अब आप इसको हर सुर से इजीली बजा सकते हैं। शर्त यह है कि इसका वादी समाधि और गिनती याद हो आपको। सरगमी मैंने आपको इसकी बता दी है। मज़ीद तमाम डिटेल आप स्टार्ट में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।